या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्वे 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 नमो नमः जय माता दी। दुर्गाष्टमी पर आपके जीवन में खुशियों की वर्षा हो, आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे। महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धार, कांग्रेस हो या भाजपा, इस समय दोनों ही पार्टी के उम्मीदवारों का विरोध चल रहा है। कांग्रेस पार्टी से प्रभा बाल मुकुंद सिंह गौतम का विरोध प्रदेश कांग्रेस के महासचिव कुलदीप बुंदेला एवं उनके समर्थकों ने किया। बुंदेला ने अपने समर्थकों के साथ बैठक आयोजित कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता व पद से मेल के जरिए इस्तीफा भेजने की बात कही और निर्दलीय रूप में चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा की एवं अपने समर्थकों के साथ आगे की चुनावी रणनीति में जुट गए। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा से चौथी बार नीना विक्रम वर्मा को भाजपा से टिकट देकर भरोसा जताया। भाजपा के वरिष्ठ नेता जमकर नीना वर्मा का विरोध कर रहे हैं। धार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट को लेकर असंतोष खुलकर सामने आ गया है। विधानसभा से चौथी बार नीना विक्रम वर्मा को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया, इसके बाद से अब जमकर विरोध देखा जा रहा है। विक्रम वर्मा पर आरोप लगाते जमकर कटाक्ष किए। नीना वर्मा जब अंतिम बार चुनाव लड़ी थी तो विक्रम वर्मा ने भाषण में कहा था कि यह उनका अंतिम चुनाव है, वे यहां शराब माफिया को मुफ्त रिपीट। विक्रम वर्मा पर आरोप लगाते हुए जमकर कटाक्ष किए। नीना वर्मा जब अंतिम बार चुनाव लड़ी थी तो विक्रम वर्मा ने भाषण में कहा था कि यह उनका अंतिम चुनाव है, वे यहां शराब माफिया को मुक्त करेंगे। यहां से शराब माफिया तो मुक्त नहीं हुआ, शराब की फैक्ट्री खोल दी गई, शराब की सप्लाई बढ़ गए, गुजरात तक अवैध रूप से शराब पहुंचाई जा रही है, गांव के चप्पे चप्पे तक शराब माफियाओं की पकड़ बन गई है। ये विधानसभा के हमारे जो बरसों से अपने बूथ पर अपना खून पसीना बहाकर हमारे सारे वरिष्ठ थे, आदरणीय अनंत अग्रवाल जी, श्री करण सिंह पंवार जी, श्री अंतर सिंह नागर जी, श्री देवेंद्र पटेल जी, श्री अशोक पटेल जी, श्री विजय रघुवंशी जी, आप इनका इतिहास उठाकर देखेंगे तो इस पार्टी को सींचने में और खड़ा करने में कई पीढ़ियाँ गुजार दी इन्होंने। इसके आधार पर पार्टी खड़ी है, उनकी अवहेलना की गई, कितने कार्यकर्ताओं की भावनाओं की अवहेलना की गई और इसको अवगत भी कराया हम लोगों ने पार्टी से। हम सब कार्यकर्ता को आग्रह है, इन सब का जितने कार्यकर्ता आए थे कि टिकट परिवर्तन होना चाहिए। आपने कई प्रकार के आरोप लगाए, निश्चित तौर पर इस आधार पर यहाँ चुनाव, मीना भाभी पहले जो लड़ी थी प्रथम चुनाव, उन्होंने कहा था कि मेरा अंतिम चुनाव है, मैं यहाँ शराब माफिया की मुक्ति के लिए आई हूँ। वर्मा जी ने ये अपने भाषणों में कहा था, शराब माफिया तो मुक्त नहीं हुआ, शराब की फैक्ट्री खोल ली गई, शराब के सप्लाई बढ़ गए, गुजरात तक शराब पहुँचाई जा रही है, गाँव के चप्पे चप्पे तक शराब माफिया की पकड़ हो गई है, सारे नेता उनने अपने जेब में रख लिए, पूरे जिले को बर्बाद कर दिया है। ये कुशाभाऊ ठाकरे का जिला है जहां उन्होंने खून पसीने चने खा खा कर, उनके भतीजे प्रशांत ठाकरे जी भी हमारे बीच में खड़े हैं। भाई साहब, बैठक के बाद क्या निर्णय लिया गया फिर, अगर प्रत्याशी चयन जो हुआ है वो परिवर्तन 29 तारीख को जनता के बीच में हम जा रहे हैं। 29 तारीख को जनता और हम सब जितने वरिष्ठ जन इनके मार्गदर्शन में, इनके आधार पर हम लोग तय करेंगे कि अगला कदम क्या करना है। 29 तारीख को निश्चित तौर पे तय होगा कि टिकट परिवर्तन हो जाए। जनताओं की भावना, कार्यकर्ताओं की भावनाएं और सबके आधार पर निश्चित तौर पे उन्होंने जो वो तय करेंगे मैं करूँगा। उनका आदेश अगर चुनाव लड़ने का होगा तो चुनाव लड़ना जाए। राजू भैया संघर्ष करो, राजू भैया संघर्ष करो। मैंने विक्रम वर्मा, ये चुनाव जो है परिवारवाद वंशवाद के खिलाफ है, ये चुनाव है ऐसे माफिया भू माफिया शराब माफियाओं के खिलाफ है, ये चुनाव है जो किसानों के बीच में मैंने काम किया उनको समृद्ध बनाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उनको जैविक खेती से जोड़ने के लिए जो अभियान चलाया उनके लिए, लाखों लोग यहाँ रोजगार की आवश्यकता है, युवाओं को पीथमपुर में जो फैक्ट्रियाँ हैं उन फैक्ट्रियों में यहाँ के लोकल के युवाओं को कैसे रोजगार मिले, यहाँ जितने लोग रहते हैं उन सबको रोजगार।
धार से खबर समय जगत के लिए अल्ताफ खान की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।